आज की रेसिपी काफ़ी कुछ अलग है सिंपल सी रेसिपी है घर के सामान से बनेगी बहुत टेस्टी बनेगी और एक ही डो से हम बनाएंगे दो तरह के स्नैक्स यानी कि दो चीज़ों का मजा लेंगे एक ही डो के साथ तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल और बहुत ही मज़ेदार है रेसिपीज़ बहुत बहुत स्वागत है तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक स्नैक्स की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है यानी इस रेसिपी में हम दो तो एक बनाएंगे लेकिन रेसिपी हम दो तैयार करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है ज्यादा सामान भी नहीं लाना पड़ेगा घर के सामान से ही तैयार हो जाएगी तो चलिए देख लेते हैं आज की इस रेसिपी को आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए तीन से चार उबले हुए आलू आलू फ्रेश फ्रेशो आलू उबले हुए भी हो सकते हैं फ्रिज में रखा हुआ आलू भी हो सकता है सिर्फ ध्यान ये देना है कि आलू जो है ना बहुत ज़्यादा उबला हुआ ना हो क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होगा तो हमें बाइंडिंग के लिए जो हम इसमें डालेंगे वो थोड़ा सा कम डालना पड़ेगा मतलब इस रेसिपी में इस आलू का स्वाद थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो आलू को जो उबले हुए हैं यहाँ पर फ्रिज वाले आलू ही थे मैंने छील लिया उसके बाद आलू को बारीक बारीक काट कर मिक्सी के जार में डाल दिया इसमें डाला मैंने दो से तीन चम्मच पानी के बिलकुल थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये आसानी से पिस जाए पीसने में कोई दिक्कत ना हो और इसका एकदम से फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे चाहे तो थोड़ा थोड़ा आलू करके भी पीस सकते हैं क्योंकि हमें ये पेस्ट इतना फाइन चाहिए इतना बारीक चाहिए कि इसके अंदर बिल्कुल भी गुटली ना रहे कोई भी दाना ना रहे इसके बाद जिसमें हमने इसको डो को तैयार करना है उस बाउल में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ पेस्ट और पानी भी हमने बिल्कुल एक से दो चम्मच ही डाला था और बिल्कुल भी ये रन ही नहीं है सिर्फ इतना पानी डाला था कि इसमें पानी की मतलब आलू आराम से हमारा पीस जाए अब इसमें हम डालेंगे एक कप के करीब चावल का आटा यहाँ पर मैंने चावल का आटा लिया है काफी हेल्दी ऑप्शन है टेस्टी भी लगता है क्रिस्पीनेस के लिए बहुत बढ़िया है और आधा कप इसमें डालेंगे फ्लोर, जो इसमें हम फ्लोर डालेंगे ना उसको ज़्यादा ना डालें आधा कप भी बहुत है और स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे नमक नमक इसमें थोड़ा सा कम डालेंगे ताकि ये इसमें टेस्ट अच्छा है बहुत बिल्कुल बराबर नमक नहीं डालेंगे जितना मतलब हमें नॉर्मल नमक चाहिए होता है ना उससे थोड़ा सा हम इसमें नमक कम डालेंगे और अगर बाइंडिंग के लिए अभी हम जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें चावल का आटा मिक्स करेंगे अब कॉर्नफ्लोर हम दोबारा से मिक्स नहीं करेंगे चावल का आटा मिलाकर हम इसका एक सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे पहले किसी स्पेचुलर की हेल्प से हम इन सबको मिक्स कर लेंगे ताकि आराम से मिक्स हो जाए और उसके बाद हम इसका जब चावल का आटा दोबारा से मिक्स करेंगे कर तो हाथ की हेल्प से हम इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे अभी तक हमने इसके अंदर जो डो तैयार किया है ना तो कोई मोयन डाला है ना कोई घी डाला है और ना ही कोई ऑयल अब हम यहाँ पर लेंगे लगभग 25 ग्राम के करीब बटर का अमूल बटर यहाँ पर लिया है एक बड़ा चम्मच और उसको इस तरह से हल्का सा हाथों में ही मेल्ट कर लेंगे और उस आटे के ऊपर पूरा ग्रीस कर देंगे बहुत ज़्यादा इसमें हमने मोयन नहीं डालना बटर ज़रूर डालें क्योंकि बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसमें चावल का आटा भी ना बहुत ज़्यादा ना डालें मतलब डो इतना सेमी सॉफ्ट ही होना चाहिए ना तो बिल्कुल पतला होना चाहिए और ना ही बहुत टाइट क्योंकि अगर ये टाइट होगा तो जो हम इससे स्नैक्स बना रहे हैं यानी कि पापड़ी या जो हम इसमें सेव ही बनाएंगे तो वो टाइट बनेगी यहाँ पर देखिए बिल्कुल ढीला भी नहीं है कि हमारा ये बेल नहीं रहा इतना जैसे हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं ना हमें सिर्फ सेम वैसा ही डो इसका तैयार करना है और इसके बाद इसको बेल लेंगे बिल्कुल पतला सा बेलेंगे जैसे हमारे चिप्स होते हैं उस तरह का हम इसको पतला पतला बेल लेंगे पतला बेलने के बाद एक ढक्कन लेंगे और उससे इस तरह से इसको कट कर लेंगे और इसके बाद जो साइड में एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम निकाल देंगे एक नाइफ की हेल्प से हम इन चिप्स को चॉपिंग बोर्ड से मतलब रोलिंग बोर्ड से अलग कर लेंगे और कहीं से अगर हमें लगेगा कि ये मट्टी या पापड़ी थोड़ी सी मोटी है तो हम इसको दोबारा से बेल लेंगे उसके बाद एक फोक लेंगे और उससे इस तरह से इसको हल्का सा छेद कर देंगे हल्का सा प्रिक कर देंगे ताकि जो है ये पापड़ी जिस टाइम हम इनको फ्राई करें तो ये उसके अंदर जाके फूल ना जाए यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल इनके ये लेयर आपस में जितनी हमने पापड़ी बनाई है ना ये आपस में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही हैं आप चाहें तो एक के ऊपर एक रख भी इसको रख सकते हैं ये बिल्कुल भी आपस में चिपकती नहीं है और अगर आपको लगे कि आटा ढीला है तो इसकी जगह पे थोड़ा सा राइस फ्लावर ही डालें इसमें कॉर्नफ्लोर ज़्यादा मिक्स ना करें अब तेल को कितना गर्म करना है हम इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है और एक टूथपिक डालकर देखेंगे देखिए यहाँ पर साइड में बबल्स आ रहे हैं ना बस इतना जब इसके बबल्स आ जाएंगे तो हम अपने जितने भी ये हमने पापड़ी या चिप्स के जो हमने बना कर रखे हैं हम उनको इसके अंदर डाल देंगे और जितनी कढ़ाई के अंदर स्पेस होगी हम उतने ही चिप्स इसके अंदर डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको हल्का गोल्डन कलर होने तक इनको फ्राई कर लेंगे ये काफ़ी टेस्टी रेसिपी है मतलब आप इसको काफ़ी दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होते और है भी बिल्कुल सिंपल यानी कि घर पर ही पड़े हुए उबले हुए आलू चावल के आटे और कॉर्नफ्लावर से हमने इस मज़ेदार से चिप्स को तैयार कर लिया है और जब ये हर लाइट गोल्डन कलर की हो जाए तो हम इनको एक टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे ताकि जो भी इसके अंदर का एक्स्ट्रा ऑयल है वो जो वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले और हमने इसके अंदर कोई मोयन नहीं डाला कोई बहुत ज़्यादा घी तेल भी यूज़ नहीं किया खाली हमने इसको फ्राई करने में ऑयल मिक्स किया है यहाँ पर मैंने इसे एक स्ट्रेनर छन्नी होती है ना आटा छनने वाली उसके ऊपर इसको रखा है ताकि जो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे की तरफ आ जाए और इसके अंदर स्टीम भी ना बने ताकि ये सॉफ्ट ना हो और इसी तरह से हम बाकी की अपनी सारी पापड़ियों को फ्राई कर लेंगे अब इस वाले डो की हमने सेवई बनानी है तो सेवई बनाने के लिए हम एक सेवई मेकर लेंगे और उसके अंदर मोटी वाली जाली को हल्का सा ग्रीस करेंगे और इस जाली को सेट कर देंगे हमने पूरे सेवई मेकर को पहले ग्रीस कर लेना है किसी भी ऑयल की हेल्प से और जो ये हमने डो बना के रखा था पापड़ी के लिए तो हमने हल्का सा टाइट रखा था अच्छा आप चाहें तो इसको पहले से ही थोड़ा सा ढीला वाला निकाल के रख सकते थे और उसके बाद थोड़ा सा चावल का आटा मिला टाइट डो तैयार कर सकते थे लेकिन अगर ये वाला डो है तो आप इस पर हल्का सा पानी का हाथ लगा इसको थोड़ा सा सॉफ़्ट कर लें और इस तरह से इसको इस मेकर में भर इसको बंद कर दें और इसकी मोटी मोटी सेवई फ्राई कर लें गैस गैस की फ्लेम को हम अभी भी मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हमने इन सेवैयों को फ्राई करना है ये भी काफ़ी मज़ेदार सी रेसिपी है मतलब एक ही डो में हम दो तरह की रेसिपी को तैयार कर लेते हैं और यकीन कीजिए दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है लगता ही नहीं है कि हमने एक ही डो से इन दोनों को मतलब सेवई को भी और पापड़ी को भी दोनों को हमने एक ही डो के साथ तैयार किया है और दोनों ही खाने में बहुत ही खस्ता और दोनों खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं इस तरह से हम सेवई मेकर से इस तरह से इसके पूरे नूडल्स निकाल लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगी तो हम इनको पलट कर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे इसको भी छन्नी पर या फिर टिश्यू पेपर पर रखेंगे ताकि ये भी एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद हम इन इनको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे अब जो हमने चिप्स बनाए हैं उनको तो हम नॉर्मली ऐसे ही सर्व करेंगे लेकिन जो सेवई है ना इनको और भी चटपटा बनाने के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे एक चटपटा चाट मसाला जिसका लिंक मैं आपको ऊपर कैप कार्ड में दूंगी, आई बटन पर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी और मजेदार सा मसाला बनता है हल्का सा हाथ की हेल्प से हम इन सेवैयों को थोड़ा छोटा छोटा क्रश कर लेंगे जितनी हमें मार्केट से मिलती है ना सेवई हम उतनी इनको तोड़ लेंगे बहुत ही क्रिस्पी खस्ता और चटपटी सी ये वाली बनती है और इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने चाट मसाला बना के रखा था उसका उस चाट मसाले को डालकर हम इन इनको आपस में मिक्स कर देंगे और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसको रख देंगे तो आपको मेरी आज की दोनों रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है मेरी वीडियोस पसंद आती हैं उन्हें लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो मिलते हैं इसी तरह की टेस्ट और आसान सी